हाई everyone, वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो आज का जो वीडियो है वो हमारा होने वाला है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एफसेस एग्जामिनेशन ऑल इंडिया फोरेंसिक साइंस एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसको हम कैसे प्रिपेयर करें क्या स्ट्रैटी रखनी है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो लाइक ज़रूर करना वीडियो को कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं और शेयर करना मत भूलना आपको यहाँ पर मैं फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारे अपडेट्स देती हूँ और साथ ही मैं मैं फॉरेंसिक साइंस के लेक्चर्स भी लेती हूँ और आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उन वीडियोज को जरूर देखना प्ले आप देख सकते हो अलग अलग प्ले बनी हुई है हर पर्टिकुलर टॉपिक की फॉरेंसिक फोटोग्राफी क्राइम इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी तो वो सब आप देख सकते हो और उनसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो ठीक है तो चलो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि हमें प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में पहली चीज़ क्या मालूम होनी चाहिए दैट इज नो योर सिलेबस अपना सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे से जान लो सिलेबस को लेके मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बना दूँगी इस वीडियो के बाद में वीडियो आएगी आप वो वीडियो देख लेना उस वीडियो में आप क्लियरली देखना कि क्या क्या सिलेबस है और स्टिक टू दैट ओनली जो सिलेबस है वही आपको उसी को फॉलो करना है उसके अलावा आपको और कुछ भी फॉलो नहीं करना है ठीक है तो यह पहला पॉइंट नो योर सिलेबस सिलेबस की पीडीएफ में टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी तो वहां से डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सेकेंड थिंग नो योर एग्जाम पैटर्न एफ सेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको बहुत अच्छे से जान लेना यहाँ पे क्या होता है हंड्रेड क्वेश्चंस होते हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है घर बैठ के आपको एग्ज़ाम देना है और घर बैठ के एग्जाम देने का मतलब ये नहीं है कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि अरे वाह घर बैठ के एग्जाम यानी कि मैंने टॉप कर लिया तो नहीं बेटा वहाँ पर इन्विजिलेटर जो है वो बैठता है स्क्रीन पर जो है आपको दिखता है वीडियो कॉल रहता है ऑन रहता है वीडियो आपका हमेशा यू कैन नॉट चीट इवन वैल गिविंग योर एग्ज़ाम फ्रॉम होम घर बैठ के भी आप चीटिंग नहीं कर सकते हो रिमेंबर दिस थिंग वेरी क्लियरली इन योर माइंड सो सेकंड थिंग इज नो योर एग्जाम पैटर्न हंड्रेड क्वेश्चन होते हैं इसमें हंड्रेड मार्क्स का आपका पेपर होता है कंप्यूटर बेस्ड है यानी घर बैठ के आप देखोगे ऑनलाइन एग्जाम होता है क्लियर हो गई बात तो दूसरे पॉइंट क्लियर हो गया तीसरा पॉइंट इज कंप्लीट योर सिलेबस एट वंस भाई पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट करो डोंट मिस एनी टॉपिक सिलेबस में जो कुछ भी मेंशन है ईच एंड एवरी पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आता है प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स भाई शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ कभी भी पढ़ने बैठो ना देखो पढ़ने का ना एक तरीका होता है जब आप सिर्फ पढ़ रहे हो किताब से पढ़ रहे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो अलग अलग सोर्सेस से पढ़ते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से कुछ पॉइंट मिला यहाँ से कुछ पॉइंट मिला यहाँ से कुछ पॉइंट मिला हमने सोचा अरे हमको तो याद रहेगा यहीं से हम ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ से पढ़ ले रहे हैं नहीं जब भी पढ़ो एक पेन और एक अपने पास में डायरी या पेपर या जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो लेके बैठा करो अपना टॉपिक लिखा और पॉइंट ज़रूर ट करना उससे फ़ायदा क्या होगा देखो जब आपका आखिरी का टाइम बचता है ना तो आप फटाफट रिविजन कर लेते हो और जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं ना तो हमें अलग अलग सोर्स याद नहीं रहते हैं हमें वो याद रहता है जो हमने कॉपी में लिखा है ठीक है क्योंकि हमारा माइंड और हमारी बॉडी जो है एक कोऑर्डिनेशन में काम करती है तो आपको वो जल्दी याद रहता है जो आपने खुद लिखा है ये चीज़ नोटिस करके देखना जिन बच्चों की आदत लिख कर पढ़ने की नहीं है दिल फेस द प्रॉब्लम कि हमें याद नहीं रहता है मैम हम पढ़ते तो बहुत लेकिन हमें याद नहीं रहता है और जो लिख के पढ़ते ना उनको ये प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ती है कि हमको जो है हमने जो लिखा है वो हमें याद रहता है जैसा जैसा हम लिखते हैं वैसा वैसा हमारे दिमाग में आता जाता है तो ट्राई टू ऑलवेज प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो और उसके साथ में ही आप पढ़ो ठीक है तो हो गया ये आपका चौथा पॉइंट हो गया प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स पांचवा जो यहां पे पॉइंट आता है सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं मैं कोशिश करूंगी कि इस चैनल पे आपको सॉल्व कराऊं अगर आप लोगों ने एन के लिए भी पेपर डाला है फॉर्म डाला है आई I मीन mean, तो आप मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो और एफ सेट के लिए भी जो है मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने अरेंज करे हुए हैं तो मैं वो भी आपको सॉल्व कराऊँगी ठीक है तो अब अगेन नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एफ सेट के भी पेपर्स यहाँ पे सॉल्व कराने वाली हूँ बहुत जल्दी इस वीडियो के तुरंत बाद में मैं कोशिश करूँगी कि आपको फटाफट फटाफट पेपर सॉल्व करा दूँ क्योंकि आपका पेपर जो है एफसेट का जल्दी ही होने वाला है टाइम बहुत कम है तो मैं आपको तीन चार साल के जो पेपर्स हैं वो सॉल्व करा दूंगी ठीक है तो अगर नहीं करा पाती हूं तो खुद सॉल्व कर लेना भाई ये मत कहना कि मैम आपने कहा था सॉल्व नहीं करा है अपने से सॉल्व कर लेना प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करना उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका वीक पॉइंट कैसा है कौन सा आपको वीक टॉपिक लग रहा है कौन सा आपको जो है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ठीक है नाउ सिक्स पॉइंट इज फोकस ऑन योर वीक पॉइंट्स अब आप पेपर सॉल्व करने की में एक लगा लोगे कि भाई ये हमारा वीक पॉइंट है, है? ठीक तो हमें इस ज्यादा फोकस करना है तो उस पर फोकस करो स्ट्रांग पॉइंट को फटाफट से रिवाइज करके खत्म कर दो टाइम कम बचाए जल्दी जल्दी करना ये टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना ठीक है नेक्स्ट थिंग तो मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट्स बता दिए एक बार ध्यान रखना नो योर सिलेबस सिलेबस जान लो नो योर एग्जाम पैटर्न तीसरा पॉइंट इज कंप्लीट योर सिलेबस एट वंस चौथा पॉइंट इज सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स उसके बाद में प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स बना लिए आपने सॉल्व कर लिए पेपर्स उसके बाद में सिक्स पॉइंट इज की डू एनालिसिस एनालिसिस करने के बाद में नो योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आफ्टर नोइंग योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स

ज दैट क्लियर एवरी वन सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर करना एक कॉमेंट करना कुछ भी कॉमेंट करना यार एटलीस्ट बताना कि आपको मेरे वीडियोज कैसे लगते हैं पर कॉमेंट जरूर करना ठीक है अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में चल देन थे ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यगजामिनेशन बाय बाय